सरकार की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आई अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की स्थापना करी, जिस वैकल्पिक राजनीति के चलते आज एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म दिल्ली में हुआ। 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलकर, बढ़िया से बढ़िया स्कूल शिक्षा देकर दिल्ली की गरीब जनता का उद्धार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं देकर, सबको मुफ्त इलाज, बढ़िया दवा, बढ़िया ऑपरेशन, सारी चीजें, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को अरविंद केजरीवाल जी ने दी। बढ़िया वेलफेयर स्कीम्स लाएं और एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली को दिया, जिसमें आपको मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, पावर कट नहीं होते, और एक आम आदमी के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से आम आदमी को निजात दिलाई। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं था। 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को धूल चटाई, फिर पंजाब में जाकर धूल चटाई, अब अन्य राज्यों में हमारा विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हजम नहीं हुआ। इसके चलते आज तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई को छोड़ दिया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मुद्दा कोई भ्रष्टाचार या कोई अलेज्ड स्कैम में जांच करना नहीं है, मुद्दा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल के तमाम करीबी साथियों को पकड़ के जेल में डालना है। अब आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने बंद कर दिया, तो आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, आम आदमी पार्टी की सरकारों का क्या भविष्य होगा। आज भारतीय जनता पार्टी इस भुलेखे में जी रही है कि शायद सरकार खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, और मकसद भी इनका यही है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अगर जेल में डाल दोगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। एक बड़ी मीटिंग हुई, ऐसा ही ऐसे सब चर्चा हुई कि अगर सीएम जेल चले जाते हैं तो आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, दिल्ली का एक एक नागरिक, भारत देश का एक एक नागरिक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाना मतलब खुली तार पे हाथ रखने जैसा है। 440 वोल्ट का करंट लगेगा अगर अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाओगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे, और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी, इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। सीएम जब तक सीबीआई मुख्यालय के आप लोग यहीं पे बैठे रहे, हमें यहाँ पुलिस ने रोक लिया है। हम सीबीआई मुख्यालय तक जाना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना चाहते थे, उनके काफिले की तमाम गाड़ियों को भी रोक लिया, सिर्फ एक गाड़ी को आगे जाने दिया है। हम लोग सब यहीं सीबीआई के दफ्तर के बाहर बैठे हैं, यहीं बैठेंगे, अपने नेता का आने का इंतजार करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक हिदायत देना चाहता हूं, बिन मांगी सलाह देना चाहता हूं कि ईडी सीबीआई का प्रयोग उन लोगों पे करो जो शायद इन एजेंसियों के नोटिसों से डरते हो, जो इन रेडों से, सर्च सीजर से, जेल से डरते हो। आम आदमी पार्टी के नेता आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, हम लोगों ने सड़कों पर लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन सहे हैं, कई बार जेल गए हैं, तो हम लोग जेल से नहीं डरते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता देख रही है कि कैसे आज एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप नेताओं को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और अगर एक शख्स आज कोई है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है और दे रहा है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो हमें आज खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी पंजाब में सरकार नहीं थी तब ईडी सीबीआई के मुकदमे भी नहीं थे, पंजाब में सरकार बनी, गुजरात में सीटें आई, गुजरात में वोट शेयर आया, राष्ट्रीय पार्टी हम बने, उसके बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है पूरे देश भर में, ये डर इन्हें सता रहा है, और इसीलिए आज ईडी सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जब देश में 1970 के दशक में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी, उस समय वो एक कानून लाई थी MISA, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उस कानून के अंदर बड़े ड्रकोनियन प्रावधान डालकर